Chết đâu hết rồi. Nguy hiểm. वियतनाम के हनोई में एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। हनोई में एक डिलीवरी बॉय ने 12वीं मंजिल से गिर रही एक 2 साल की बच्ची को कैच कर लिया। 31 साल के युवा नौगांव मानहा 5 बजे एक डिलीवरी करने के लिए कार में बैठे इंतजार कर रहे थे, तभी उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि एक महिला चिल्ला रही है और खिड़की के बाहर गर्दन निकालकर देख रही है। उन्हें पहले लगा कि शायद बच्ची कोई बदमाशी कर रही है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बच्ची नीचे गिर रही है और जमीन से 50 मीटर ऊपर है। उन्होंने देखा कि बच्ची बालकनी पर लटकी हुई है। इसके बाद मानहा ने अपनी कार से तेजी से निकले और बिल्डिंग के करीब चले गए और जहां बच्ची थी उसके करीब पहुंचने की कोशिश करने लगे। वह वहां के जनरेटर की छत पर चढ़ गए और हालांकि वहां खड़े होकर वह थोड़ा लड़खड़ा गए, लेकिन जब बच्ची गिरने लगी तो वह उसे बचाने के लिए कूद गए। इसके चलते छत पर एक टेंट भी पड़ गया। माना ने बताया कि उन्होंने बच्ची को बचाने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयास किया और आखिरकार वह अपनी इस कोशिश में सफल हो गए। घटना का पूरा वीडियो पास के ही अपार्टमेंट में रहने वाले एक शख्स ने बनाया है, जिसमें दिख रहा है कि बच्ची किस तरह बालकनी की पतली सी रेलिंग में झूल रही है। बच्ची कुछ देर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वह असफल होकर गिरने लगती है, जिसे ये डिलीवरी बॉय कैच कर लेता है। बच्ची के मुंह से खून आने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसका कूल्हा खिसक गया है। हालांकि उसे और किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है।